गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं जो आप इजीली बिना बुक्स के कर सके। तो क्लास के शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज हम लोग देख रहे हैं पैराग्राफ राइटिंग है हमारा टॉपिक, और उसको मैंने क्वेश्चन लिया है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन हमारा हेडिंग है द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट। लगभग 60 वर्ड्स में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। 6 से 7 लाइनें बनेंगी कि वो त्योहार जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो कईयों को दिवाली पसंद है, कईयों को होली पसंद है, और बहुत सारे त्योहार है। इंडिया इज अ फेस्टिवल कंट्री ऑफ फेस्टिवल। तो इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। हर पैराग्राफ लिखते समय एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसके बाद उसकी मेन बॉडी होती है, और उसके बाद उसका कंक्लूजन होता है। तो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, यहाँ हमारे पास एक बहुत अच्छी सी चीज है, फेस्टिवल जो आपको पसंद हो। तो उस जो त्योहार आपको पसंद हो उसके बारे में सारी चीजें अपने दिमाग में सोच लीजिए कि ये त्योहार में हम क्या क्या करते हैं और मुझे क्यों पसंद है, ये सारी चीज लिखनी पड़ेगी। तो हम पैराग्राफ शुरू करते, मैंने कहा इंट्रोडक्शन पार्ट। तो पहले तो हम हेडिंग डाल लेते हैं, हमारा आंसर है द फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, कि वह त्योहार जो मुझे पसंद है। ठीक है, तो ये हमारा हेडिंग है। अब हम पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल। इंडिया क्या है? त्योहार का देश है। We celebrate many festivals among them Holi. कौन सा त्योहार? Holi is my favorite फेस्टिवल। आपका अब मैंने कौन सा बताया है? होली। अब पहले तो ये कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो हम ये देखेंगे। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन पूर्णिमा। कौन से तिथि को? On Purnima of Falgun month. Falgun month. ये हिंदी मंथ है, ठीक है? फाल्गुन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। And on this day, होलिका is burn, जलाई जाती है। टू किस चीज को हम यहाँ पे denote करते हैं? टू denote victory of a good over evil, बुराई पर अच्छाई की जीत को हम यहाँ पर show करते हैं। The next day we play colors. हम रंगों की होली खेलते हैं। I like this festival. I like this festival because of किस लिए पसंद है? The colors that we put on others, we greet each other
आपको ये त्योहार पसंद है। We play with non-toxic and natural colors. So that nobody can be harmed, कि किसी को नुकसान नहीं हो। इस तरीके से ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हुआ कि एक त्योहार जो मुझे बहुत पसंद है उसमें हम क्या क्या करते हैं, ये सारा मैंने आपको लिखवाया है। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा, ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।